जय हिंद। मेरी अभी बात हुई जिसपे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, इन्होंने ये कहा है कि हमें एक निवेदन दीजिए वर्षा गायकवाड़ जी के लिए, कि ये बच्चों के लिए आपने जो आंदोलन किया उसके लिए। तो मैं एक निवेदन अभी एसीपी, डीसीपी और वर्षाताई गायकवाड़ को भी दे रहा हूं, तो उस पे वो जल्द से जल्द निर्णय लेने वाले, ऐसा उन्होंने बोला है, मुझे आह्वान किया है, आश्वासन दिया है। तो जितना हो सके ना, हम यही कोशिश करेंगे कि ये हमारी बातें माने। तो अभी फिलहाल तो मैं अभी आ गया हूं, घर के लिए निकला हूं, मैं घर जा रहा हूं। पुलिस लोगों ने हमें कॉपरेट किया, अच्छा, उनका धन्यवाद है। और दूसरा, आज के आज वर्षाताई को और इनको निवेदन दे दूंगा मैं। आप लोगों ने जो एकता बताई, विद्यार्थी लोगों ने, अपने स्टूडेंट्स लोगों ने जो अपनी पावर बताई, ये ऐसे ही होना चाहिए। एक दूसरे का साथ ऐसे ही दो, किसी के बाप को डरने का नहीं। वो सब साथ मिलके रहिए। अभी निवेदन देने के बाद इनका रिप्लाई क्या आता है हम देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ठीक है, और नहीं हमारे साथ में आता है तो फिर हो जाएगा वापस, क्योंकि आश्वासन से कुछ नहीं होता है ना। तो इसके लिए मैं अभी, उन्होंने बोला है निवेदन तो दो हमें कि आप स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए करके, आप स्टूडेंट्स के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। मैं बोला ये तो पूरे है, वो वर्षाताई गायकवाड़ से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक सबको मालूम है कि हमारी लड़ाई स्टूडेंट्स की किसके लिए है। फिर भी अगर लेटर के थ्रू आपको बताना है तो अभी मैं लेटर भिजवा रहा हूं, तो आप अभी शांति से आप घर जाइए, अपना ख्याल रखिए। अभी हम उनका रिप्लाई का इंतजार करेंगे कि इन लोग रिप्लाई क्या देते। अगर यह हमारे साथ है, इनको बच्चों के भविष्य की परवाह है, तो अच्छी बात है। अगर इनको परवाह नहीं है तो फिर हमको भी किसी की परवाह नहीं है, देखा जाएगा फिर। आज हम लोग ने जो पावर बताया वो उनको तो उन तक पहुंचाइए, स्टूडेंट्स का पावर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। ये चाहते हैं कि और करा जाए तो इससे हजार गुना ज्यादा हो सकता है फिर। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर आप पूरा पिक्चर देखना चाहते तो हम पूरा पिक्चर भी दिखा सकते हैं आपको। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए, उनके परिवार के साथ मत खेलिए, उनके एग्जाम्स कैंसिल करिए। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ले लो एग्जाम, इनके एग्जाम लो, मगर अभी मत लो, इनको जान के खतरे में डाल के मत लो। बस ये निवेदन है मेरा। तो जैसा निवेदन मैं पहुंचाता हूं, आप सबको वो कॉपी भेज दूंगा, इसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप सब अभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सब घर पे जाइए। आगे का अपडेट मैं देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हुआ मेरे पे केस किया है, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, केस हुआ है मगर देखा जाएगा, और टेंशन नहीं। आपके लिए केस क्या जान हाजिर है भाऊ की, यार केस से क्या होता है, आपके लिए जान हाजिर है यार। आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरी दौलत हो, तो आपके लिए सब कर सकता हूं, झेल सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो मिलते हैं फिर, मैं आगे का अपडेट देता हूं आपको। मिलेंगे फिर। जय हिंद।